हेलो गाइस, आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजू जी में। सो गाइस, तो जैसा कि देख पा रहे, ये रहा हब, ये रहा स्पोक और इधर है हमारा दो रिम, ठीक है, फ्रंट एंड रियर। फ्रंट एंड रियर हब भी है और स्पोक भी है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं, चाहे 22 इंच का साइकिल हो या फिर 20 इंच का साइकिल हो, उसका रिम किस तरह से बनाया जाता है, कितना पर बनाया गया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे ढेर सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, जो कि कमेंट किए हैं कि राजू भाई, देसी 22 इंच का साइकिल हो या फिर 20 इंच का साइकिल, हम लोग किस तरह से अपने से ही रिम बिनना सीख सकते हैं, इस पर आप एक वीडियो ले आइए। तो उन्हीं लोगों का आधार पर हम ये वीडियो बना रहे हैं, आप लोग का बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, विदाउट स्किप किए, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे और जान पाएंगे। और हम अच्छे से आप लोग को फुल डिटेल्स में बताने वाले हैं कि रिम किस तरह से बनाया जाता है, 32 होल का हो या फिर 40 होल का हो, जो कि 20 इंच साइकिल 22 इंच साइकिल में फिट किया जाता है, लगाया जाता है रिम। चलिए, आप लोग का कीमती समय ज़्यादा ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग को अच्छे से दिखाते हैं और बताते हैं, और आप लोग को ज़रा सा परेशानी भी नहीं होगा, ज़रा सा प्रॉब्लम भी नहीं होगा, क्योंकि हम इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से A to Z फुल प्रोसेस बताए हैं। इसलिए हम आप लोग से दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक मिनट, उससे पहले हम बताना चाहेंगे, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर दे। आप लोग से हम कुछ नहीं चाहते हैं, बस एक लाइक चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहिए, तो लाइक कर दिए ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर साइकिल रिलेटेड नॉलेज वीडियो हमेशा देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले साथ में, और अदर दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। जिस तरह से ये वीडियो आपका काम आया, उस तरह से अदर व्यक्ति का भी आएगा, तो शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको जो हब बिनना सीखना होगा, ठीक है, हब किस तरह से बिनाया जाता है। अगर आप अच्छे से हब बिनना सीख जाते हैं तो फिर आप जो है रिम भी एकदम अच्छे से सीख जाएंगे किस तरह से बिना जाता है। तो चलिए, हब बिनने का प्रोसेस आप लोग को हम एकदम अच्छे से बता रहे हैं, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। जिस भी कैटेगरी का साइकिल हो आपके पास में, सभी कैटेगरी का हब जो है जिस तरह से बता रहे हैं उसी तरह से बिनाएगा, इसका कोई अलग प्रोसेस नहीं होता है। जिस तरह से हम आप लोग को अभी हब बिनते हुए दिखाएंगे और बताएंगे, उसी तरह से बिनाएगा। इस तरह से जो है सबसे पहले आपको जो है स्पोक ले लेना है, जैसा कि देख पा रहे हैं। स्पोक लेने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, हम देखिए इसमें जो 5 स्पोक पकड़े हैं, तो आपको क्या करना है, एक स्पोक पकड़ना है और एक स्पोक इस तरह से पहला होल में डालना है, ठीक है, हब का ऊपर साइड में। उसके बाद आपको जो दूसरा स्पोक उठाना है और दूसरा स्पोक भी आपको जो है नीचे डालना है इस तरह से, ठीक है, यानी पहला ऊपर फिर नीचे एक, इस सेंटर मिला करके आपको डालना है, ठीक है, होल का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए सेंटर, ठीक है, इस तरह से सेंटर मिला करके आपको बिनना है ऊपर और नीचे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको स्पोक उठाना है और फिर एक होल छोड़ करके फिर दूसरा होल में डालना है इस तरह से, जैसा कि देख पा रहे हैं, ठीक है, और नीचे भी सेम प्रोसेस करना है। तो चलिए पूरा स्पोक को हम अच्छे से बिन लेते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं और बताते हैं। देख पा रहे हैं, एक एक होल छोड़ करके जो है हम स्पोक को एकदम अच्छे से बिन लिए, ठीक है, ऊपर हो या फिर नीचे हो, ठीक है, तो दोनों साइड में इस तरह से आपको बिन लेना है। क्या करना है, इस तरह से हब को उलट लेना है, फिर आपको उल्टा साइड से स्पोक डालना है इस तरह से, देखिए, और बिनते हुए आपको चले जाना है, ठीक है। तो इस तरह से चलिए हम जो है इस साइड में भी बढ़िया से स्पोक जो है बिन लेते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं और बताते हैं। तरह से दोनों साइड में आपको जो है स्पोक को बिन लेना है और इस तरह से आपको जो है पकड़ना है, ठीक है, ये देखिए इस तरह से आपको करके इस तरह से पकड़ लेना है, ये देखिए दोनों साइड में जो है स्पोक आसानी से बिना गया है, देखिए जैसा कि देख पा रहे हैं। इस प्रोसेस के साथ में आपको बिन लेना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और इजीली आप बिन सकते हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी का कैसा भी साइकिल हो। अब बिन लेने के बाद बारी आ जाता है रिम का, तो रिम किस तरह से बिनना है चलिए आप लोग को दिखाते हैं और अच्छे से बताते हैं। तो रिम बिनने से पहले एक चीज़ हम आप लोग को दिखाना चाहेंगे, ठीक है, इसे ध्यान से देखें, चाहे किसी भी कैटेगरी का कैसा भी साइकिल हो, सभी साइकिल का रिम इसी तरह से देखा जाता है और बिना जाता है, ठीक है। तो रिम में सबसे पहले आपको क्या चीज़ का ध्यान देना है, ये जैसा कि होल आप देख पा रहे हैं, तो ये देखिए ये जो होल है ये आपका इधर है अंदर तरफ है, और ये जो होल है ये आपका बाहर तरफ है, ठीक है, तो इस तरह से देखिए सारा होल है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान देते हुए बिनना है, बिनना है किस तरह से चलिए आप लोग को दिखाते हैं और बताते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं रिम को हम उलट दिए हैं और बिनने का प्रोसेस यही है,
तो बताना चाहेंगे रिम का जो होल है गाइस, वो आपका ऊपर होल देख करके बिनना है, ऊपर छेदा देख करके बिनना है। गाइस हम जो है 40 होल का रिम को बिन रहे हैं, ठीक है। ये आपका पीछे चक्का हो गया, ठीक है। पीछे चक्का का रिम को हम बिने, जो कि पीछे चक्का का जो होल होता है वो 40 को होता है, 22 इंच का साइकिल हो या फिर 20 इंच का साइकिल हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है एक साइड का स्पोक को रबड़ से आपको बांध देना ताकि प्रॉब्लम ना हो, जैसा कि देख पा रहे हैं, ठीक है। और इधर में भी, ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब रिम को किस तरह से बिनना है आप लोग को दिखाते हैं और बताते हैं। तो इस तरह से सारा सेटिंग को आपको मिला लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसा कि देख पा रहे हैं 2, 4, 6, 2, 8 आठ स्पोक हम पकड़ लिए हैं। तो 22 इंच का साइकिल हो या फिर 20 इंच का साइकिल हो, जब भी आप बिन रहे हैं रिम तो आपको आठ स्पोक पकड़ना है, ठीक है। पहला ऊपर माथा पकड़ना है फर्स्ट वाला, और लास्ट वाला आपको नीचे माथा पकड़ना है, और इस तरह से आपको गिनना है, एक ऊपर माथा एक नीचे माथा पकड़ करके, ठीक है। 2, 4, 6, 8, ठीक है। इस तरह से आपको आठ स्पोक बिनना है। ये जो प्रोसेस रहेगा आपको ओनली 4 रहेगा 20 इंच का साइकिल में, 22 इंच का साइकिल में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना, फर्स्ट वाला जो ऊपर माथा का स्पोक रहेगा उसे आपको पकड़ना है, और लास्ट वाला आपको नीचे माथा का स्पोक को पकड़ना है, और रहा 3 गो बच जाता है, ठीक है। ये जैसा कि देख पा रहे हैं नीचे माथा का 3 गो जो रहेगा वो आपको लेफ्ट साइड की ओर जाएगा, और ऊपर माथा का जो 3 गो स्पोक रहेगा वो आपको राइट साइड की ओर जाएगा, इस तरह से, ठीक है। और इस तरह से आपको मिलाना है और एक्स का निशान बनाना है, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका जो ऊपर माथा का जो स्पोक रहेगा वो आपको ऊपर जाएगा, और नीचे माथा का जो स्पोक रहेगा वो आपको नीचे जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको मिला लेना है, मिलाने के बाद इस तरह से रिम में आपको बिनना है। तो आपको जो है रिम में ऊपर होल देख करके बिनना है, ठीक है, जैसा कि हम आप लोग को फर्स्ट में समझा दिए, ठीक है। तो ऊपर होल देख करके इस तरह से आपको बिनना है, ठीक है, एक होल बीच में छोड़ करके, ठीक है। दो होल आपको पकड़ना है इस तरह से, और इस तरह से स्पोक लगाना है। स्पोक लगाने के बाद आपको क्या करना, नेप्पल लेना है, और नेप्पल पीछे साइड की, और आपको इस तरह से टाइट करना है, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रोसेस हो गया कंप्लीट, ठीक है। यानी फर्स्ट वाला प्रोसेस इस तरह से आपको रिम बिनाएगा, 22 इंच का साइकिल, 20 इंच का साइकिल, पीछे वाला रिम इस तरह से बिनाएगा आठ पर, हम आप लोग को अच्छे से बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट स्पोक बिनने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसा कि ये दो स्पोक आपका बिना हुआ है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। तो ये जो नीचे माथा का जो स्पोक है, ठीक है, उसी का एक स्पोक ऊपर माथा का छोड़ करके फिर नीचे माथा का एक स्पोक आपको पकड़ना है राइट साइड वाला, ठीक है। उसके बाद आपको जो है लेफ्ट साइड का स्पोक सेम पकड़ाएगा आपका, ठीक है। ये देखिए, ये जैसा कि आपको ऊपर माथा का स्पोक हो गया, तो ये देखिए ये यहाँ तक आ रहा है, तो इसका ऊपर वाला देखिए एक स्पोक हम छोड़ दिए हैं, और उसका ऊपर वाला एक स्पोक पकड़ाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पकड़ना है, और इस तरह से आपको बिनना फिर से एक्स का निशान बना करके, और इस तरह से जो है एक होल आपको छोड़ करके बिनना है। ये देखिए एक होल में हम इधर डाल दिए, और एक होल में इधर में हम डाल दिए, ये देखिए जैसा कि देख पा रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। तो इधर वाला स्पोक भी हमारा बिना गया, इधर वाला स्पोक भी हमारा बिना गया। अब इसमें हम नेप्पल टाइट कर देते हैं, तो आपको जो है नेप्पल टाइट कर देना है, ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ फंसाना है नेप्पल को बस, ठीक है। ये हमारा देखिए स्पोक जो है बिना गया, ठीक है, फर्स्ट और नेक्स्ट आपको बता दिए। तो इस तरह से पूरा रिम को आपको बिन लेना, चलिए फटाफट बिन लेते हैं, फिर आप लोग को आगे दिखाते हैं और बताते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं रिम हमारा एक साइड में पूरा बिना गया है, लेकिन बताना चाहेंगे दूसरा साइड में जब आप रिम को बीनेंगे इस तरह से, ठीक है, तो ये रहा दूसरा साइड। दूसरा साइड में जब आप रिम को बीनेंगे तो एक चीज़ का ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप स्पोक को अच्छे से नहीं मिला के बीनते हैं तो क्या होगा कि रिम आपका सही से नहीं बिनाएगा, फिर आपको पूरा रिम खोलना पड़ेगा, फिर दोबारा आपको बीनना पड़ेगा। तो वीडियो को यहाँ पर एकदम बारीकी से और ध्यान से देखिए कि स्पोक को किस तरह से मिलाना है दूसरा साइड में, और बिनना है किस तरह से। दोनों साइड का रबड़ जो आप लगाएंगे उसे आपको खोल लेना है इस तरह से, ठीक है। रबड़ लगाएंगे, कुछ भी लगाएं, आपको इस तरह से बांध लेना है। ये देखिए हम खोल दिए हैं, ठीक है। खोलने के बाद आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस के साथ में आठ स्पोक आपको पकड़ना है, ठीक है, आठ पीस स्पोक। तो ये रहा, हम आठ पीस स्पोक पकड़ लिए, 2, 4, 6, 8, ठीक है। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो जिस प्रोसेस के साथ में आपको हम फर्स्ट वाला बताए थे वही प्रोसेस के साथ में इसे आपको पकड़ लेना है स्पोक, ठीक है। पकड़ने के बाद स्पोक आपको मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस तरह से आपको जो सेंटर मिला लेना है जैसा कि देख पा रहे हैं, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। स्पोक एकदम अच्छे से आपको पकड़ लेना जिस तरह से फर्स्ट में बताए थे उसी तरह से, और इस तरह से जैसा कि आप उल्टा साइड में देख पा रहे थे एक होल दूसरा होल छोड़ा हुआ है, तो उसी का बीच वाला स्पोक को आपको पकड़ना है, ठीक है, इस तरह से। और बीच वाला स्पोक का जो है सेंटर में आपको दोनों स्पोक जो आप पकड़ें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम हाथ में पकड़े हुए हैं, तो इस तरह से पकड़ करके और सेंटर मिलाना एकदम एक लेवल में। ये जो दोनों स्पोक आप देख रहे हैं,
जरा सा भी देखिए 19-20 नहीं है, 19-20 रहेगा तो चलेगा, लेकिन दोनों को आपको जो एक सेंटर में एक लेवल में मिला लेना है। उसके बाद इस तरह से जो है आपको एक्स का निशान बनाना है, ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं, और इस तरह से आपको बिनना है, नेप्पल लगा करके आपको जो है इस पोक को टाइट कर देना है। ये देखिए आपका दूसरा साइड का बिनना चालू हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से जो है अपोजिट साइड में आपको बिनना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस को ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो ये चीज़ को ध्यान देते हुए आपको बिनना कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और पूरा रिम आपका आसानी से बिना जाएगा। तो चलिए आप पूरा रिम बिनते हैं, फिर आप लोग को एक बार अच्छे से दिखाते हैं और बताते हैं, और फ्रंट चक्का किस तरह से बिनना है वो भी आप लोग को आगे बताते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं रिम एकदम अच्छे से बिना चुका है पीछे चक्का, ठीक है, पीछे रिम ये देखिए 40 होल वाला। तो आप लोग को बताना चाहेंगे जिस तरह से हम आप लोग को दिखाएं और बताएं, 8 गो स्पोक पकड़ना है और 8 पर आपका जो है स्पोक बिनाता है, चाहे 20 इंच का साइकिल हो या फिर 22 इंच का साइकिल हो, दोनों में ही सेम प्रोसेस रहेगा पीछे चक्का में, ठीक है। पीछे चक्का का जो स्पोक बिनाएगा, रिम बिनाएगा, वो आपका 8 पर बिनाएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं ये आपका आगे चक्का वाला रिम है, ठीक है, आगे चक्का का रिम स्पोक हब है। तो ये भी हम बिन के कम्प्लीट कर लिए, लेकिन बताना चाहेंगे जिस तरह से आपको हम पीछे चक्का वाला बताएं 8 स्पोक पकड़ना है, उस तरह से आपको आगे चक्का का रिम को बिनना है। लेकिन ये चक्का का रिम जब बिनाएगा आपका वो 6 स्पोक पर बिनाएगा, ठीक है। जिस तरह से पीछे चक्का का आप जो है 8 स्पोक पकड़े, उस तरह से आगे चक्का का आपका जो है 6 स्पोक पकड़ाएगा, और 6 स्पोक का सेम प्रोसेस रहेगा रिम बिनाई का, ठीक है। जिस तरह से पीछे चक्का का हम आप लोग को बताएं, उस तरह से आगे चक्का का रहेगा, ठीक है, सेम प्रोसेस रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और ईजिली आप बिन सकते हैं, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे चक्का का रिम को किस तरह से बिनना है, उस पर हम ऑलरेडी पहले ही वीडियो बना चुके हैं, जो कि रेंजर साइकिल का रिम किस तरह से बिनाया जाता है उस पर हम बना चुके हैं और अच्छे से डिटेल्स में बताएं। वो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर के वो वीडियो को देख करके और आसानी से बिन सकते, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और गाइस जैसा कि देख पा रहे हैं इधर पूरा एकदम बारिश स्टार्ट हो चुका है, पूरा बारिश हो रहा है, इसके वजह से जो वीडियो हमें यहाँ पर शूट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो जिस तरह से दिखाएं बताएं, उस तरह से आपको बिल लेना एकदम इजीली हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और एक चीज़ बताना चाहेंगे गाइस लास्ट और आखिर में, जैसा कि ये आगे चक्का हम आप लोग को बताएं कि 6 स्पोक पर बिनाएगा, तो उसी तरह से रेंजर साइकिल का भी बिनाएगा, रेंजर साइकिल MTB किसी भी कैटेगरी का कैसा भी रेंजर साइकिल हो गाइस, सेम प्रोसेस के साथ में बिनाएगा 6 स्पोक पर, ठीक है। अगर आप पीछे चक्का वाला अच्छे से समझ गए हैं तो ठीक है, आप आगे चक्का भी आराम से बिन लेंगे। रेंजर साइकिल का 8 या 6 नहीं होता, ओनली फॉर 6 पर बिनाता है रेंजर साइकिल का रिम, ठीक है, चाहे फ्रंट रिम हो या फिर रियर रिम हो। तो आशा करता हूं मैं आप लोग को अच्छे से दिखा दिया हूं, बता दिया हूं कि 22 इंच 20 इंच साइकिल का रिम किस तरह से बिनाएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, और लाइक कर दी तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं किए तो कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।